सारे शोहर है मोहम्मद अदर, इनको बोलने भी नहीं आ रहा है, इनकी पूरी हड्डी टूट गई सो है, पूरे दांत टूट गए सो, इनको बोल सक रहे नहीं कुछ भी नहीं, देख लो इनको ये मारे सो है। इनकी एज कितनी है? 48 है, 48 49। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, हम यहाँ चंद्रायन गुट्टा पीएस से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे शोहर को मार के मेरा बहनियों और उसका भाई हमारी फुप्पू आमिर अकबर सब मार के मेरे शोहर के पूरे दांत तोड़ दिया, उनकी रीढ़ की पूरी ठुड्डी की हड्डी टूट गई सो है। यहाँ पीएस में आए कोई कुछ भी नहीं कर रहा, पीएस से सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 11 बजे से कोई एक्शन नहीं ले रहा है यहाँ पे पीएस में। सज्जाद मोहम्मद सज्जाद हमारे बहन बहन का मर्द है, हमारी छोटी बहन का जाति जिम्मेदार, कुछ भी दुश्मनी नहीं है उनकी, बहन ही थी, बहन को मार रहे थे उनकी बीवी को। तो मेरे पास 100 रुपये मांगने के लिए आए थे, अम्मी के पास जा रही मैं, मेरे को 100 रुपये दे, बोले तो 100 रुपये दिए तो मेरे घर पे आके मारम पीटी करे नु। उनका भाई आया एक साजिद है, आमिर है, अकबर है, सब है इसमें शामिल, हमारे शहर को पूरा मार के बुकना कर दिए सो है उनकी। मोहम्मद बल्लागुड़ा मोहम्मद नगर चंद्रान गुट्टा पी एस में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, उन्होंने अगले वाले को बोल दिया तुम केस कर दो उन पे, बोल के बोले कल रात 1 बजे हुआ, 1:15 बजे। हाँ कल रात में दिए थे, उस्मानिया को भी भेजा है, वहाँ से भी रिपोर्टा लेके आए, सब लाए सुबह में 11 बजे, बोले कुछ भी नहीं करे एक्शन लिए, हाँ करा लिए एम एल सी, हाँ हाँ है उनके पास भी है हमारे पास भी है। क्या चाहते हैं? आपको इंसाफ होना बस, और कुछ भी ना होना। कब देखे जब पीएस में कोई इंसाफ हो रहा नहीं है, पीएस में नहीं नहीं कुछ भी नहीं ले रहे इन लोग, कब देखे जब झिड़कियां देके भगा दे। इससे पहले भी हमारे शहर का ऑटो चला दिया थे, जब भी केस करे थे, जब भी कुछ भी नहीं हुआ उसमें, नहीं बोल रहे कुछ भी, क्या हुआ मैं हो गया कुछ उसका बात का, वो कर रहे ना काम का कुछ इलाज, नहीं करे बिठा के रखे हुए है बाहर, सबको बुला के रखे हुए है सुबह से, वही हाँ हमारे घर से 3 नंबर गली में वहीं पे रहते, थोड़ी दूर आगे पे। नहीं नहीं कुछ भी दुश्मनी नहीं है, बहन है, 4 बच्चे है उसको, अगर भूखी रखता उसको मैं खिलाने के आते बच्चों को बुला लेती। नहीं 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 जो हमारे फुप्पू का दामाद है उसका एक लड़का ज्यादा उठ रहा है, उसका लड़का है जो आमिर नाम है उसका, और साजिद पेट में लातान डाल के रात भर हमें को दुनिया की तकलीफ है, मेरे को पित्ते में कंकर है, मेरी बच्चे जानी निकालने का है, मेरे को आप पूरा रिपोर्ट आया है मेरे पास, मेरे को पेट में लातान डाल के हमारे अम्मी को वैसी मार दिया उन्हें रात में, मेरे को पूरा निशाना है हमारे पास, 1:30 बजे का टाइम है ये उन्हें, हाँ रात का घर पे आए थे, वहाँ पे घर पे से होते हैं फिर उनके घर पे, वहीं पे थोड़ी थोड़ी दूर पे घर, हमारी अम्मी को रोड पे पकड़ लिए, हमारी अम्मी को रोड पे पकड़ लिए थे, लगा रहा ऑटो लेके आ रहे थे हसन नगर से। नहीं दे रही साथ पुलिस, साथ नहीं दे रही, इससे पहले भी 2 महीने पहले आए थे कुछ भी साथ नहीं दिए, पूरा ऑटो जला दिए थे, जब भी पूरे बच्चे मर जाते थे गैस की टाकी फूट के, मगर जब भी कुछ भी एक्शन नहीं लिए और ना अब ले रहे हूँ, मेरे को पूरा इंसाफ होना और कुछ नहीं होना, मेरे को उन लोगों से इंसाफ होना है, यहाँ तो कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक मैडम है क्या कर रही, मेरे को होना मेरा इंसाफ होना, मेरे आदमी के पूरे दांत तोड़ दिए, हड्डी तोड़ गई, हम गरीब लोग करके खाने वाले, हम कहाँ से करके, हमारे को कौन देता, अकबर देना जो भी खर्चा आ रहा पूरा पूरा अकबर देना, अकबर का बेटा भी है इसमें आमिर, जेल को भिजा दो, सज्जाद को, साजिद आमिर जेल जाना, भिजाना है जेल को, ये दो खुद होगा, मेरे को इन लोगों से जान का खतरा है, हम लोगों को बता दिए पुलिस वाले, कैसा करते कोई भी ना करते, तू तेरी बहन को जब बहन को खाने नहीं दे रहा, बच्चों को छोटे छोटे खाने नहीं दे रहा, तो घर में तो बुला के मैं खिला सकती हूँ ना बच्चों को, पी ले के रात दिन फुल रहता उन्हें, साजिद बोलने वाला उसका भाई है, उन्हें बहुत कमी ना, पेशा क्या है, फ्रूट का, कभी फ्रूट का करता, कभी ऑटो चलाता, उसका कोई पेशा नहीं है उसका, हम स्क्रैप का करते, हाँ वही करते गलियों में ऑटो में ला लेते, थोड़ा बहुत माल ला के वही घर पे कर लेते।